वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग करने से कतराते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं स्कैमर्स को, और कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं कि आपका पैसा जो है वो गलत रास्ते चला जाए, हराम रास्ते चला जाए, कोई फेक प्रोफाइल हो, फेक कंपनी किसी ने बनाई हो और वो आपसे चीट या फ्रॉड करके पैसे निकलवा लें और आपको आगे से कुछ भी ना मिले। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा नॉन वेबसाइट्स, नॉन ऑनलाइन शॉप्स पर जाएं। आप कभी भी रिस्क मत लें ऑनलाइन शॉपिंग का उन वेबसाइट से जिनका आपको पहली मर्तबा आपने सुना हो और ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता ना हो। हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग नॉन वेबसाइट से करें जो काफ़ी उनकी हिस्ट्री अच्छी हो, जिनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो कि काफ़ी लोगों को उनके बारे में मालूम हो और काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर हो। उन वेबसाइट से आप हमेशा ऑनलाइन परचेज़ करें और उन वाली वेबसाइट्स को अवॉइड करें कि जो बिल्कुल रिसेंटली बनाई गई हों या बिल्कुल रिसेंटली आपने उनके बारे में सुना हो और आपको ज़रा सा भी दिल में खटका हो, उनके बारे में आप बेहतर है कि उनको आप अवॉइड करें। दूसरी टिप जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप हमेशा जब भी कभी ख़रीदने लगें तो आप रिव्यूज़ चेक करें, प्रोडक्ट के भी और सेलर के भी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अभी मैंने आपको एक रेफरेंस के तौर पे मैं आपको AliExpress.com के बारे में बताती हूँ कि इस पे आपने कैसे शॉपिंग करनी है। AliExpress.com शायद आप सब लोगों को ना मालूम हो कि ये Daraz.com की तरह या Daraz.com की तरह इसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी छोटी छोटी शॉप्स खोली हुई हैं। AliExpress.com इज़ नॉट अ शॉप इट्सेल्फ, एक ओनर नहीं है इसका। इसके अंदर इट्स अ प्लेटफॉर्म लाइक Amazon जिस पे बहुत सारे लोग, डिफरेंट लोग, डिफरेंट कंपनीज़ के लोग, डिफरेंट प्राइवेट लोग अपनी अपनी शॉप्स खोल के बैठे हैं और वो अपनी चीज़ें सेल करते हैं। उनकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, इसमें काफ़ी कंपटीशन है। कभी आपको एक ही बैग जो है वो $30 का नज़र आएगा, वही बैग आपको $16 का नज़र आएगा, कभी वही बैग आपको $5 का नज़र आएगा। बट आपको कैसे पता चले कि इनमें किसकी क्वालिटी बेस्ट है या किसकी कंपनी जो है वो अच्छी है? वो है रिव्यूज़। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हर प्रोडक्ट के नीचे, किसी के नीचे 5 stars हैं और किसी के नीचे 4 stars हैं, किसी के नीचे कोई स्टार्स नहीं है। मेरी जो सजेशन है वो ये है कि जिसके कोई स्टार्स नहीं है उससे आप कुछ मत ख़रीदें। देखें कि उनकी कितनी सेल्स हुई हुई हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कई चीज़ों के नीचे वन ऑर्डर, इनसे भी मत ख़रीदें। तकरीबन 235 ऑर्डर हो चुके हुए हैं और इसको 57 लोगों ने तकरीबन आई थिंक 5 stars दिए होंगे, जो कि 4.9 रेटिंग है इसकी। दैट्स अ वेरी 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 गुड रेटिंग। सो ऊपर आप देखेंगे इसको, ऊपर ये ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऑन टॉप ऑफ द पेज आप देख सकते हैं कि इसके उसको खुले हुए 2 साल हो चुके हैं और इसकी रेटिंग 99% पॉजिटिव रेटिंग है। तो ऐसी कोई भी शॉप जिनकी इतनी अच्छी रेटिंग हो, इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी रेटिंग हो, और उनकी आप सेल्स भी देखें कि कितनी हो चुकी है, और उनकी आप देखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ज़रूर देखेंगे, ओपन सिंस लाइक 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस तरह भी आप देखें तो आपको ओवरऑल एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये रिलायबल कंपनी है, रिलायबल सेल्स यहाँ पर हो रही है, आपको अच्छी कस्टमर सर्विस मिल रही है इनकी। अगर आप चीज़ ख़रीदेंगे तो आपको अच्छी चीज़ भी मिलेगी और आपको गारंटी भी होगी कि अगर आपकी चीज़ नहीं आपको मिलती तो ये आपको रिफंड भी करेंगे। दे हैव अर्नड देयर, जैसे ये एक आपको ब्रेसलेट नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें 660 लोगों ने इनको 5 स्टार दिए हुए हैं और ऑर्डर्स इनके 1328 की मैंने इसको क्लिक किया। इसमें आप देख सकते हैं कि इनको 660 लोगों ने वोट्स दिए हैं जिससे इनकी रेटिंग बन रही है 4.9 stars out of 5, और इसके तकरीबन 1300 से ऊपर इनके ऑर्डर हो चुके हैं। इसके लिए सिल्वर की ज्वेलरी की शॉप है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और आपको बड़ा बड़ा क्लेवर होना पड़ेगा, आप अपने जो है अच्छी तरह से असेसमेंट करें, हर चीज़ को कैलकुलेट करें, देखें अच्छी तरह से, जांच पड़ताल करें, फिर देखें कौन सी शॉप जो है अब इनका देखें टॉप ब्रांड में लिखा हुआ है। ऊपर आप देखें
यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे नाम लिखा है स्टोर का वो लिखा है ओपन 7 ईयर्स, उसके बाद लिखा हुआ है टॉप ब्रांड, उसके बाद लिखा है 99% पॉजिटिव फीडबैक। तो ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी। इस तरह आपने कोई भी चीज़ आप इनकी सर्च में जाएँ, आप इन जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए ऑल कैटेगरीज में, आई एम शॉपिंग फॉर, आप डालें यहाँ पे सर्च में इनकी कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, हर किस्म की चीज़ आपको पता है कि चाइना से अली एक्सप्रेस के थ्रू आपको मिल जाएगी, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो बेबी क्लोथ हो, बेबी आइटम्स हो, टॉयज हो, कोई मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज हो, कुछ भी आपने यहाँ से लेना है आप ज़रूर यहाँ से लें। लेकिन आप ये देखें कि इनकी फीडबैक कैसी है, इनके खुले हुए कितने साल हुए हैं, इनके ऑर्डर्स कितने हो चुके हैं। आई हैव ऑल्सो कम अक्रॉस कंपनीज जिनके बिल्कुल एक लिखा होता है कि अभी अभी खुली हैं, एक साल हुआ है खुले हुए, फिर उनके लिखा होता है कि जी कोई सेल नहीं हुई उस प्रोडक्ट की। और वंस मैंने इस तरह की कंपनी से ऑर्डर किया था और ऑब्वियसली कि वो मेरे $50 जो थे वो बिल्कुल ही ज़ाया चले गए, दे वेंट डाउन द ड्रेन। आई नेवर रिसीव माई प्रोडक्ट एंड आई नेवर हर्ड। और मैं जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस करके बाद में जब मैंने उस कंपनी को रब्ता करने की कोशिश की तो वो कंपनी बंद हो चुकी हुई थी ऑब्वियसली। तो इस तरह से लोग चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं। आप जब भी कभी कोई चीज़ खरीदें ऑनलाइन, हमेशा नॉन वेबसाइट से खरीदें, हमेशा नॉन ऑनलाइन शॉप से खरीदें, बिल्कुल भी इस तरह से ना खरीदें जिन वेबसाइट्स पे आपको शक हो। और एक और तरीका होता है, कुछ वेबसाइट जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए जो लोग बाहर से चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो वो ट्रस्ट पायलट नाम की एक जगह है, वेबसाइट है, वो उन्होंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स के बारे में अपना ओपिनियन दिया होता है कि इज़ इट अ गुड वेबसाइट, इज़ इट अ गुड शॉप, शुड यू बाय फ्रॉम इट, और बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं। तो ट्रस्ट पायलट का आप देख लिया करें डाल के कि ये एक अच्छी रिलायबल साइट है, सोर्स है या नहीं है, अगर आपने इंटरनेशनल वेबसाइट से आपने कोई चीज़ खरीदनी है। वरना कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप नॉन रिलायबल वेबसाइट से ही चीज़ें खरीदें, और हमेशा हमेशा ऐसी वेबसाइट्स पे जिन पे मल्टीपल प्राइवेट और कंपनी और दोनों किस्म के लोग ब्लेंड इन कर रहे हो, ये प्राइवेट लोग भी सेल कर रहे हैं, कंपनीज भी सेल कर रही हैं लाइक अमेजोन, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, उस पे आप कोशिश करें कि उनके रिव्यूज़ लाजमी देखें, उनके नंबर ऑफ सेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, नंबर ऑफ स्टार्स लाजमी देखें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या आपके पैसे ज़ाया होने वाले हैं या फिर आपको अच्छी चीज़ मिलने वाली है। तो आई वुड रियली से कि आप ज़रूर करें ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन बहुत बहुत वाइजली, हमेशा देखें यही चीज़ें, उनके रिव्यूज़ देखें उनका। अब ये देखें, अगेन मैंने आपको ये शॉप दिखाई है, इनको भी टॉप ब्रांड का बैज मिला हुआ है, इनकी 99.6% पॉजिटिव फीडबैक है, और ये स्किन केयर की आई थिंक स्किन प्रोडक्ट्स की कंपनी है। तो इसी तरह से एनीथिंग यू वांट यू कैन गेट ऑन दिस ब्रिलियंट वेबसाइट अली एक्सप्रेस, और इस पर आप इस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर सुकून की ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके सुकून की नींद सोना चाहते हैं तो फिर इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए जो मैंने आपको दिए हैं। और फेसबुक के बारे में भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आजकल फेसबुक पे बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें सेल करना शुरू हो गए हैं। वंस अगेन फेसबुक के ऊपर भी आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ें और देखिए कि इन लोगों की कितनी सेल्स हुई हैं, कितने फॉलोअर्स हैं उस पेज के या उस ग्रुप के, कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है उस पेज को, कितने लोगों के पॉजिटिव 5 या 7 या 10 रिव्यूज़ इज़ नॉनसेंस, वो तो अपने फैमिली के लोग ही डाल देते हैं। तो अगर आपने देखना है कि किसी ने कोई सेल्स हुई है, कम से कम 1000 रिव्यूज़, कम से कम चलें 1000 नहीं तो कोई 500 तो ज़रूर रिव्यूज़ होंगे अगर उनकी अच्छी सेल्स हो रही है। तो किसी से ऐसे मुँह उठा के, जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम इज़ देयर सिंसियर पीपल, आई वुडंट से कि सब लोग बुरे हैं जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि फेसबुक पे जो जिन लोगों ने शॉप्स खोली हुई हैं और जो पाकिस्तान से बाहर चीज़ें भेज रहे हैं, देयर इज़ नो क्वालिटी कंट्रोल, आप उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते, आप उनसे रिफंड नहीं करवा सकते अगर वो आपको फजूल किस्म की स्टिचिंग भेज दें, उन 10,000 किस्म के दकिया नोसी बहाने वो बना देंगे कि ये हो गया था, वो हो गया था, और आगे से वो आपको गालियां निकाल के आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप वो चीज़ ना खरीदें। जो लोग समझते हैं कि बाहर के लोग जो हैं वो कमा रहे हैं तो वो पता नहीं उनको दरख्तों के ऊपर पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग अपनी कमरें तोड़ तोड़ के मेहनतें कर करके जो पैसे कमाते हैं पाकिस्तान पे, वो भी फिर फेसबुक से चीज़ें खरीदते हैं, तो उनको वो चीज़ वैसी नहीं मिलती जैसा वो चाह रहे होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो इन्होंने बाहर से ख़रीदना है, प्लीज़ आप रिलायबल जगह से ख़रीदें ताकि आपको भी हेडेक कम हो और जो दूसरे बेचारे जो हैं वो भी अपनी आखिरत ख़राब ना करें इस तरह की हरकतें करके कि वो फिर आपको गलत चीज़ भेज दें और फिर वो तुम्हें मैं हूँ और वो फिर बदमस्ती पैदा हो। तो आप कोशिश करें कि आप
अच्छी रिलायबल सोर्सेज से चीज़ें खरीदें। अव्वल तो आप कोशिश करें कि आप अच्छे ब्रांड्स को उन्हीं की वेबसाइट से खरीदें। तो फेसबुक शॉपिंग जो है उससे अक्रॉस कंट्री ना लें, जहाँ पे आप रीच ना कर सकें, जहाँ पे आप उनको चीज़ वापस ना कर सकें। हाँ, विद इन द सेम कंट्री अगर आप हैं और उसमें भी आई सजेस्ट कि विद इन द सेम सिटी अगर आप हैं और आपको कोई चीज़ चाहिए और फेसबुक पे मिल रही है, यू कैन एक्सेस दैट पर्सन, फिर आप फेसबुक से चीज़ ज़रूर लें। अगर नहीं, दूसरी ऑप्शन वो ये है कि आपके उनके बहुत अच्छी रेटिंग हो, बहुत ज़्यादा उनको अच्छी फीडबैक मिली हो, फिर उनसे आप चीज़ ले लें और उसके बाद आप अल्लाह पे ऑफ कोर्स तवक्कल कर लें। तो आई होप कि आपको ये ऑनलाइन शॉपिंग टिप्स जो हैं ये पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह ताला आई विल बी मेकिंग मोर यूजफुल वीडियोस फॉर यू गाइस टू कीप मी मोटिवेटेड। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज कमेंट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय।